लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बक्सर में हूं और बक्सर में आज चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रहा है। मैं कॉमन सवाल करूंगा इनसे, क्योंकि वोटिंग करना एक प्राइवेसी है, सबका अपना अपना मत है, वो मत को ओपन नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि जो अभी मतदान हो रहा है, अंतिम चरण का मतदान है बक्सर में, बक्सर के साथ साथ पूरे देश और पूरे भारत में कैसे प्रतिनिधि को लोग को चुनना चाहिए? जो रोजगार दे, काम दे जनता को, पढ़ाई एजुकेशन पे ध्यान दे, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए देश में। ऐसे नहीं कि जो अपना देखे उसको नहीं चुनना चाहिए, जो हम जैसे गरीब लोगों को रोजगार दे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, ये देखिए, प्रतिनिधि में बहुत सारे प्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे कि आज बिहार यूपी की बात करें या किसी भी देश, किसी भी राज्य की बात करें, तो उसमें अपराधी तत्व के भी लोग खड़े होते हैं, शिक्षित व्यक्ति भी खड़े होते हैं, लेकिन जनता जो है ना वहाँ भी गुमराह हो जाते थे। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षित हो या अपराधी हो, जो काम देगा उसी को तो हम वोट देंगे। काम के थ्रू ना वोट दिया जाता है कि वो अपराधी भले ही हो, जिसका वो बायो डाटा है उससे तो मेरे कोई मतलब नहीं है, वो जीते तो मेरा काम करे, अशिक्षित है तो वो ज़्यादा ही कुछ करेगा। ये आप फिर अपराधीकरण का बढ़ावा दे रहे, मान लीजिए कोई अपराध करके आया और इलेक्शन में खड़ा हो जाए और वो काम करे, तो हो गया कि भाई चलो गलत भी करें और लोगों के लिए काम करें तो हम गलत करते रहें? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है। पढ़ाई, जो एजुकेशन लिए हुए हैं वो तो ज़्यादा समझदार है ना अपराधी लोगों से, तो वो तो ज़्यादा काम करेंगे, तो हम उनको ना वोट देंगे, मतलब उनको प्रायोरिटी देंगे, मतलब शिक्षित व्यक्ति को। हाँ, शिक्षित को, कैसे कि वो शिक्षा देगा, रोजगार देगा, हाँ, उसके पास एजुकेशन हो तो शिक्षा और रोजगार देगा ही। हाँ, ये बात है। हाँ, चलिए ये बताइए कि मोदी जी चुनाव प्रचार के बाद चले गए ध्यानमग्न, ध्यान मुद्रा में चले, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका तो हर साल का ही है कि जब वोट का इलेक्शन का आता है टाइम, वो ध्यान में चले जाते, कभी तो वो अपने मुद्दे पे बात करेंगे नहीं कि हमने रोजगार दिया, हमने शिक्षा दी, चाहे हम यहाँ ये काम किए वो काम किए, सिर्फ होगा तो हिंदू मुस्लिम करके वो हट जाते हैं। अरे, ये ध्यान मुद्रा में गए हैं, देखिए मैं करोड़ों रुपये खर्च होगा जितना दिन रहेंगे वो, तो पैसा तो पब्लिक का है, तो वो पब्लिक में ना लगाना चाहिए, कि पब्लिक में लगाए तो पब्लिक उनको वोट देगी उसके थ्रू, और वो अपना ध्यान में अपने में लगा रहे तो पब्लिक उनको तो वोट नहीं ना देगी, उनको तो वोट नहीं देगी पब्लिक। लास्ट में, मतलब आज अंतिम चरण का चुनाव है, तो जो जो पूरे भारत में जिस जगह पर, उस पब्लिक को आप क्या अपना संदेश क्या देंगे या क्या मैसेज देंगे? हम अपने थ्रू पब्लिक को यही देंगे कि सही नेता चुने, कि कोई काम करे, ना कि ऐसा नेता चुने कि वो अपना देखे, बस आखिर में हम यही कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंजलि कुमारी बक्सर से थी, जिन्होंने अभी वोटिंग करके के आ रही है, सुबह का समय है, 7 बजे है, और ये साफ साफ कर रही है कि पब्लिक के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में कहने का मतलब है कि शिक्षित व्यक्ति भी होते हैं, अपराधी तत्व के भी लोग होते हैं, और आज लोकतंत्र में सभी लोग खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि उन पर कोई मुकदमा लॉज नहीं हो गया होगा, कोर्ट के द्वारा उन पर दोषी नहीं ठहरा दिया गया, तब तक वो खड़ा हो सकते हैं। तो ये साफ साफ करें कि शिक्षित व्यक्ति को भी आप अपने वोट देने का अधिकार है, उनको भी वोट दे सकते हैं, उनको भी एक मौका दे सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि हम उनको वोट देंगे जो राज्य की हित की बात करे, देश की हित की बात करे, जनता की हित की बात करे, और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे, जनता के लिए हमेशा काम करते रहे। तो मैंने आपको दिखाया बक्सर से, आज 1 जून है और बक्सर में चुनाव, आप वोट दे क्या रहे हैं? क्या कॉमन सवाल पूछेंगे आपसे, बस कॉमन सवाल पूछेंगे। ये सवाल ये है कि आज वोटिंग है और अंतिम चरण का वोटिंग है जी, ऐसे जी जी, तो क्या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे लोगों को चुनना चाहिए भारत में, राज्य बिहार में कहीं भी? वही ना, कमल साहब तो है ना, मोदी जी ना है। हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को आप चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री? मोदी जी को चाहते हैं हम लोग दोबारा प्रधानमंत्री जी जी, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, हम ये सवाल करें कैसे लोगों को आना चाहिए चुनाव? मोदी जी के आना चाहिए, फिर मोदी जी का आना चाहिए। चलिए चलिए, इनका कहना है साफ साफ कि मोदी जी को ही आना चाहिए, इनका अपना मत है। तो मैं आपको बक्सर से दिखाया, बक्सर लोकसभा से, कि लोगों का जो मिजाज है, मिजाज के साथ साथ लोग ये कर रही हैं। आपने एक लड़की को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षित के साथ साथ वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके दुख में साथ दे, आपके जनता के लिए काम करे, विकास की बात करे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ बक्सर। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।